उज्जैन के काल भैरव मंदिर के पास स्थित करभेश्वर महादेव 84 महादेवों में 73वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या में वीर केतु नाम का एक विद्या विनय संपन्न राजा हुआ। एक बार वह जंगल में शिकार खेलने गया, वहां उसने इतने पशु मारे कि जंगल पशु विहीन हो गया। तब उसने एक ऊंट को बाण मारा, बाण खाकर ऊंट भाग खड़ा हुआ। राजा ने उसका पीछा किया, ऊंट भागता भागता घने जंगलों में पहुंच गया। राजा पीछा करते करते तपस्वियों के आश्रम में पहुंच गया। ऋषियों ने उसका सत्कार किया, फिर पूछा, महाराज आपका यहाँ पधारना कैसे हुआ, आप अपना परिचय दीजिए। राजा ने कहा कि मेरा नाम वीर केतु है, मैं शिकार खेलने आया था। मैंने एक ऊंट को बाण मारा परंतु वह भागकर अदृश्य हो गया। आप सर्वज्ञ हैं, कृपया बतलाइए कि वह ऊंट कहाँ गया। तब उनमें श्रेष्ठ मुनि ऋषभ ने कहा कि महाराज वह ऊंट महाकाल वन में चला गया है। वहां भगवान महादेव देवताओं के विनोद के लिए ऊंट बनकर फिर लिंग रूप में स्थित हो गए हैं। वह लिंग शिव के क्षेत्रपाल भैरव के पश्चिम में और मोदक प्रिय गणेश के पास स्थित है। मुनि ने राजा को इस बात का रहस्य खोलते हुए बताया कि हय वंश के राजा धर्मध्वज एक बार घोड़े पर बैठकर बद्रिका आश्रम में नर नारायण के आश्रम में गए। वहां उन्होंने कृशकाय ब्राह्मण को देखा, उसे देखकर राजा को हंसी आ गई। इस पर ब्राह्मण ने क्रुद्ध होकर राजा को ऊंट बनने का श्राप दे डाला। राजा के अनुनय विनय करने पर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा श्राप तो लगेगा ही, परंतु जब अयोध्या के राजा वीर केतु का बाण तुम्हें लगेगा तो तुम बाण खाकर महाकाल वन में पहुंचोगे। वहां वीर केतु जब लिंग का दर्शन करेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। इसके पश्चात वह राजा ऊंट हो गया, तुम्हारे बाण से उसकी मुक्ति हो गई है। लिंग दर्शन से विमान में चढ़कर वह स्वर्ग में चला गया। तब आकाश मार्ग से उसने वीर केतु को आशीर्वाद दिया। इस कौतुक की बात सुनकर सब देवता महाकाल वन में आए। उन्होंने ऊंट की मुक्ति करने वाले इस लिंग का नाम करभेश्वर रखा। जो मनुष्य करभेश्वर का दर्शन करता है उसे ऐश्वर्य प्राप्त होता है तथा पितरों की पशु योनि छूट जाती है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।